खट्टर पहुंच गए हैं और उसी वॉलीबॉल से आप देख सकते हैं यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये एक अंदाज था, हालांकि जो वॉली है वो नेट के ऊपर से नहीं जा पाई, लेकिन दूसरा प्रयास और ये वॉलीबॉल जो है ऊपर से गई। और ये एक अच्छी, यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री गोल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बचा लिया गया, लेकिन प्रयास अच्छा था और प्रयास से ही जो है मुकाबले सफल होते हैं। और संदीप सिंह खेल राज्य मंत्री, बहुत बढ़िया खिलाड़ी, और ये इनको मात देना मुश्किल था। और यही तस्वीर यहाँ पर नजर, छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। चौटाला ने शपथ ली है, उन्होंने कहा है कि मैं सिंगो बॉर्डर जाऊंगा, अगर किसान कहेंगे दोबारा इस्तीफा देना है तो मैं दोबारा इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, ऐसा बच्चों का खेल नहीं है, खेल भावना से अगर चीजें खेली जाए तो इस प्रकार की बचकाना बातें नहीं करनी होती। अगर खेल भावना से वो राजनीति में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बीएपी को लेकर समस्या बनी हुई है? कोई समस्या नहीं, सब ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं करनाल में, शिवाजी कॉलोनी के अंदर जो गप्पू वाला बाग है वहां पर आज उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि साथ में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गप्पू वाला बाग स्थल की, जहां पर हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, साथ ही साथ वॉलीबॉल स्टेडियम भी बनाया गया है, ओपन एयर जिम यहां पर रखी गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तमाम जो पार्षद हैं वो भी सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जो मांगे हैं, अपनी जो बातचीत है वो यहाँ पर उनके सामने, सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि तमाम पार्षद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर उनके ऊपर पुष्प अर्पित करने के लिए खड़े हैं। और यहाँ की जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर आज यहाँ पर गप्पू वाले बाग का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग, चाहे हॉकी स्टेडियम हो या फिर वॉलीबॉल स्टेडियम हो, उसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ ओपन एयर जिम भी है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात कर रहे थे, छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे थे, उनके साथ भारत माता की जय के जो जयकारे हैं, नारे हैं वो लगाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नजर आए और बच्चों का अभिवादन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से और तमाम छोटे छोटे बच्चे खुश हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के यहाँ पर पहुंचने से, क्योंकि गप्पू वाला बाग में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और बच्चों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं, छतों पर चढ़ के लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ। तो आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। गप्पू वाला बाग का ये स्थल है, शिवाजी पार्क, शिवाजी कॉलोनी का ये स्थल है और आप देख सकते हैं अटल पार्क के सौंदर्यकरण का कार्य का जो हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत उसका उद्घाटन किया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिवाजी कॉलोनी में मिनी स्टेडियम का जो उद्घाटन हुआ है उसका यहाँ पर उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करते हुए नजर आ रहे हैं और टेक्सटाइल के फुटपाथों के निर्माण कार्य का यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिनी स्टेडियम का उद्घाटन हो गया है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खुश है क्योंकि स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है और स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है तो उससे बच्चों को भी काफी फायदा होगा। हॉकी स्टेडियम यहाँ पर है,
वॉलीबॉल स्टेडियम यहाँ पर है, ओपन एयर जिम यहाँ पर है और छोटे छोटे बच्चों के अंदर उत्साह है सीएम मनोहर लाल खट्टर को देखने का। और हॉकी के जो तमाम बच्चे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस मोहल्ले इस कॉलोनी के वीर बालकों ने, छोटी छोटी बालिकाओं ने जिस प्रकार से स्वागत किया, वास्तव में वो एक अभिभूत कर देने वाला दृश्य था। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को उनके उत्साह के लिए जोरदार मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, बच्चे ही बोले चाहे बड़े, बेशक मत बोले, दूसरी बार बड़े बोले, पहले बच्चे बोल के दिखाएंगे एक बार, भारत माता की। देखो कितनी बड़ी आवाज है। अब एक बार बाकी सब बोलेंगे, भारत माता की। मैंने एक और नारा वहां लगवाया था, मैं फिर लगवाता हूँ वही, और ये प्यारे बच्चे कितना बढ़िया उसका उत्तर देंगे, देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा। देखिए कितना अच्छा भाव इन बच्चों में है, और मैं आज समझ सकता हूँ कि यहाँ कितना उत्साह क्यों आया होगा। हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी ने भी बहुत प्रसन्नता से विषय बताया, खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने भी उसे विषय को आपके सामने रखा, हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी ने तो आगे बढ़कर के आपके लिए बहुत सी चीजें मांगी डाली नई नई, और इस आयोजन करने वालों में हमारे जिलाध्यक्ष उपेंद्र राणा जी और हमारे कितने भी पार्षद हैं जिन्होंने इस सारे आयोजन में अपनी अपनी मेहनत, अपने अपने विचार और किस प्रकार से योगदान दिया, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण दो नाम तो मैं जरूर लूंगा जो इस इलाके के पार्षद हैं, जिसके अंदर रामचंद्र, जिनको हम काला भी कहते हैं, रामचंद्र जी हैं पार्षद, रजनी प्रोचा जी हैं जिनके वार्ड इस मैदान के आसपास लगते हैं, और भी जो लोग आज इस खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, जिसमें ईश गुलाटी जी हैं, राजेश अग्गी जी हैं, नवीन जी हैं, अमनदीप जी हैं, भूपेंद्र नौतना जी हैं, राजेंद्र जी हैं सिरसी से, मोनू जी हैं, जतिन कालरा जी हैं, और हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं जसपाल वर्मा जी, और मंच पर और भी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ पार्टी के हमारे नेता सब बैठे हैं, और आज जो इस आसपास के मोहल्लों के भी बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं, सभी अधिकारीगण हैं, पत्रकार छायाकार मित्र भी आए हैं कार्यक्रम का आयोजन। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो तमाम बच्चे छतों पर थे उनसे बातचीत कर रहे थे, और साथ ही साथ भारत माता की जय के जो जयकारे हैं वो लगाए गए हैं। तमाम लोग आप देख सकते हैं छतों पर हैं और वहीं पर उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये एक अच्छा खूबसूरत मौका है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री से सीधा संवाद बच्चे भी कर पा रहे हैं और आसपास के लोग भी कर पा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर बातचीत कर रहे थे खिलाड़ियों से, कोच से, और अब एक मैच यहां पर लगवाया जा रहा है और उस मैच का आनंद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उठाएंगे, और इस तरीके का जो भी कार्यक्रम होता है वो काफी मनोरंजन और साथ ही साथ प्रेरणादायक होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खड़े हो गए हैं और दोनों तरफ की जो टीमें हैं उन्हें यहाँ पर एक प्रेरणा देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वॉलीबॉल के ये तमाम खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल कोर्ट यहाँ पर बनाया गया है, और जो आप देख सकते हैं ये मैच शुरू हो गया है और इसका जो आनंद है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने सिग्नेचर जो अपना एक साइन होता है वो वॉलीबॉल पर देते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि ऑटोग्राफ है और यही बच्चों के लिए प्रेरणादायक आने वाले समय में बनेगा, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और अपने आप में कोई बड़ा अगर प्रेरणा देता है इस तरीके से तो वो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गप्पूवाला बाग का आज उद्घाटन किया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर तमाम खिलाड़ियों से मिलते हुए नज़र आ रहे थे, और आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल कोर्ट में बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच गए हैं और उसी वॉलीबॉल से आप देख सकते हैं यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये एक अंदाज था, हालांकि
जो वॉली है वो नेट के ऊपर से नहीं जा पाई, लेकिन दूसरा प्रयास और ये वॉलीबॉल जो है ऊपर से गई और ये एक अच्छा प्रयास। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हॉकी के तमाम खिलाड़ी हैं और आज दो टीमें हैं और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से यहाँ पर मुलाकात करेंगे और काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि एक ग्राउंड ये मिल चुका है और एक ग्राउंड का और ऐलान किया गया है तमाम बच्चों के लिए जो टर्फ वाला ग्राउंड होता है यानी कि आजकल जिस पर हॉकी खेली जाती है। और एक लंबे समय के बाद ओलंपिक में भारत को मेडल आया था, तो क्या कुछ कहते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर वो आपको सुनवाएंगे। आप लोगों की ये टीम पक्की टीम है, पहले मैच कहाँ कहाँ तक खेले ट्रेनर खेला तो जीता भी है, कितने सारे आ रहे हैं करनाल के क्लब किया था नेशनल के लिए तो सिल्वर में, बहुत बढ़िया शाबाश तो आप देख सकते हैं कि चुटकुले अंदाज में हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर बातचीत करते हुए नजर आए तमाम खिलाड़ियों से। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री गोल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बचा लिया गया, लेकिन प्रयास अच्छा था और प्रयास से ही जो है मुकाबले सफल होते हैं। और संदीप सिंह खेल राज्य मंत्री बहुत बढ़िया खिलाड़ी और ये इनको मात देना मुश्किल था और यही तस्वीर यहाँ पर नजर आई। और फिलहाल अपना ऑटोग्राफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हॉकी पर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यही कर लेना जी, 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 जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, गप्पू वाले बाग का उद्घाटन किया है, कितना फायदा बच्चों को खिलाड़ियों को? मित्रों ये एक मैदान मैंने जो लगभग 5 साल पहले एक बार देखा था और ये कॉरपोरेशन का ग्राउंड है लेकिन गंदगी भरी हुई थी, इसकी कोई संभाल नहीं हो रही थी और उसी समय हमने कॉरपोरेशन के लोगों के जिम्मे लगाया था कि यहाँ कोई ना कोई इसका विकास किया जाए और बाद में योजना बना करके अब यहाँ एक जो खेल का मैदान बना है लगभग 6 एकड़ का ये खेल का मैदान बनाया गया है और इसका नाम रखा है सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान। सरदार मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया हमने क्योंकि वो भी एक धावक थे, एक दौड़ के प्रतीक हमारे बीच में, ताकि उनके नाम से प्रेरणा बच्चों को नौजवानों को सबको मिलती रहे। और इसमें जो 2.5 एकड़ का जगह और बची है उस पर भी एक सामुदायिक केंद्र बनाने की आज मैंने घोषणा की है। नीचे तल पर सामुदायिक केंद्र होगा और ऊपरी तल के ऊपर वहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी होगी ताकि बच्चों को नौजवानों को जो पढ़ रहे हैं उनके लिए लाभदायक हो सके, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसका उपयोग हो सके। सीएम सर आज अभय सिंह चौटाला ने शपथ ली है, उन्होंने कहा है कि मैं सिंगो बॉर्डर जाऊंगा, अगर किसान कहेंगे दोबारा इस्तीफा देना है तो मैं दोबारा इस्तीफा दे दूंगा। देखिए ऐसा बच्चों का खेल नहीं है, खेल भावना से अगर चीज़ें खेली जाएं तो इस प्रकार की बचकाना बातें नहीं करनी होती। अगर खेल भावना से वो राजनीति में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बीएपी को लेकर समस्या बनी हुई है? कोई समस्या नहीं, सब ठीक है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने यहां पर बात रखी, खिलाड़ियों को लेकर बात रखी, उन्होंने अभय चौटाला को लेकर बात रखी, उन्होंने डीएपी को लेकर। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे हैं और लगातार सौगात दे रहे हैं। गप्पू वाला बाग जो स्थल है शिवाजी कॉलोनी के अंदर, वहां पर उद्घाटन किया गया। यहां पर हॉकी ग्राउंड है और इस खेल मैदान का नाम रख दिया गया है सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम। और यहां पर कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा, लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। और ये है हॉकी के खिलाड़ी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी गोल करने का प्रयास किया, संदीप सिंह ने भी किया। किस तरीके का अनुभव रहा आज का? बहुत अच्छा रहा जी अनुभव। क्या कुछ कहना चाहेंगे, फायदा होगा जो मिला है ये स्टेडियम उससे? फायदा ही होगा जी, आगे नेशनल के लिए बच्चे निकलेंगे यहाँ से और आगे खेल के बढ़ेंगे। और आप अपनी राय रखना चाहेंगे कुछ? जी ये पहले ना इसके लिए जी मतलब बहुत यहाँ पर वो चल रहा था, तो ये पास हो गया यहाँ पे, तो अब हम ठीक रहेंगे जी। मतलब पहले ग्राउंड के लिए जी थोड़ा वो था भाई, बच्चे उधर जाते थे इधर, तो अब एक ग्राउंड रहेगा जी, सरकारी कोच भी हैं जी हमारे, दो हैं। एक टर्फ वाले जो ग्राउंड होते हैं उसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी है, तो हॉकी उसी पर खेली जाती है, तो उससे कितना गेम में सुधार होगा? जी आज के टाइम में जी टर्फ की गेम ज़्यादा मैटर करती है, तो उस पर गेम थोड़ा तेज चलता है, तो इसके मुकाबले वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इनसे मिले और आप देख सकते हैं इनमें खुशी है। और जब भी खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मिलते हैं तो बच्चों में उत्साह होता है। मनोहर लाल खट्टर, तो ये दो हॉकी हैं जो मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर साइन किए हैं, यानी कि हरियाणा के CM ने, और संदीप सिंह जो खेल राज्य मंत्री हैं, और हमारे साथ कोच साहब मौजूद हैं। कोच साहब से बात कर लेते हैं। कोच साहब, बच्चों को आज हौसला अफजाई की है, एक खेल राज्य मंत्री और एक मुख्यमंत्री ने, किस तरीके से देखते हैं, कितना मोटिवेशन मिलेगा? ये जो आज अचीवमेंट हुई है हम लोगों की, बच्चों की, ये बहुत सराहनीय है और हम धन्यवाद करते हैं कि CM साहब का और हमारे स्पोर्ट्स मंत्री संदीप जी का, कि जिस एरिए के अंदर काफ़ी बच्चे थे और इनको खेलने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए 5-5, 4-4 किलोमीटर जाना पड़ता था, आज उनके घर के अंदर ही, घर के पास ही एक स्टेडियम मिला है। मुझे लगता है कि हॉकी से यहाँ से कम 150 से 200 बच्चा प्रैक्टिस करने के लिए। एक टर्फ वाले ग्राउंड की उन्होंने घोषणा कर दी है, कितना फायदा होगा और उम्मीद है कि जल्द बनेगा, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, जब भी CM साहब ने कैथल के अंदर अनाउंसमेंट की थी और मंत्री साहब ने खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेके और हावड़ी गांव में जब टर्फ लगवाया था, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमें टर्फ भी उपलब्ध होगा। बेटा मिले CM साहब से, मिले आप, बातचीत की, क्या पूछा उन्होंने? मैंने ये पूछा था कि रानी रामपाल कौन है, मैंने बोला था कि वो वुमेन्स टीम की वो कैप्टन है। आपने बता दिया था, तो उन्होंने आपको धन्यवाद किया, आपका आपको आशीर्वाद दिया। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और काफी खुश हुए बच्चे भी और साथ साथ कोच भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना फायदा बच्चों के लिए आने वाले समय में? मैं एज ए जिला खेल अधिकारी करनाल की हैसियत से बताना चाहता हूँ कि इससे बेहतरीन मुख्यमंत्री करनाल के लिए और खेल मंत्री हरियाणा के लिए नहीं हो सकते। ये आधुनिक जो हॉकी खेल है वो एस्ट्रोटर्फ पे खेला जाता है और बगैर एस्ट्रोटर्फ के आधुनिक हॉकी में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, इसलिए ये मील का पत्थर साबित होगा करनाल के लिए। मील का पत्थर साबित होगा टर्फ वाला ग्राउंड और हॉकी स्टेडियम की यहाँ पर उद्घाटन कर दिया है, आने वाले समय में टर्फ वाले ग्राउंड का भी घोषणा कर दी गई है। ये बात रही खेल से जुड़ी हुई, लेकिन राजनीति से जुड़ा हुआ जब उनसे सवाल किया गया कि अभय सिंह चौटाला ने आज शपथ ली है विधायक पद की और उन्होंने ये कहा है कि मैं सिंगू बॉर्डर जाऊंगा, वहां पर जाकर किसानों से बात करूंगा और किसान कहेंगे कि अगर फिर से इस्तीफा देना है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया कि ऐसी बचकानी बातें राजनीति में नहीं करनी चाहिए और ये भी कह दिया कि खाद की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। हालांकि लंबी लंबी लाइनें जो लग रही हैं वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को देखने की ज़रूरत है। खैर आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस ग्राउंड का और टर्फ वाले ग्राउंड का बच्चों को कितना फ़ायदा होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।